नमस्कार, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मेडिकल ऑफिसर के लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पद हैं 2535। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑनलाइन आवेदन जो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं 15 मार्च से, ऑनलाइन आवेदन फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है बैंक में 12 अप्रैल तक, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 16 अप्रैल। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार से संशोधन कर सकते हैं 23 अप्रैल तक, और अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित पते पर 30 अप्रैल 2024 तक भेजी जा सकती है। एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी दिए हुए पते पर आपको भेजनी होगी। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर लिखना होगा, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, नंबर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ओटीआर नंबर, और यहाँ कैंडिडेट्स का नाम और उसका पता, आवेदक को जिस एनवेलप में आप एप्लीकेशन फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भेजेंगे उस पर ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। एप्लीकेशन शुल्क या आवेदन शुल्क जो यहाँ पर रखा गया है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को ₹105 फीस पेमेंट करनी होगी। एससी एसटी को ₹65, दिव्यांगजनों को ₹25 और भूतपूर्व सैनिकों को ₹65, जबकि स्वतंत्रता सेनानी आश्रित महिला कुशल खिलाड़ियों को यहाँ पर कोई फीस पेमेंट या फिर उनकी मूल श्रेणी के अकॉर्डिंग अपनी फीस पेमेंट करनी है। यानी वो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ₹65, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ₹105 फीस पेमेंट करनी होगी। आपको ध्यान रखना है निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से फीस पेमेंट करना अनिवार्य होगा। उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के दावों के समर्थन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे, और उन सभी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट ले लेना है। शिक्षा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथी के अंतर्गत 2532 पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी ग्रेड 2 स्तर 2 के लिए ये समूह का यानी ए ग्रुप के पद हैं। वेतनमान 67,700 से 208,700 होगा। सातवें वेतन आयोग के लेवल 11 के अकॉर्डिंग आयु सीमा जो यहाँ रखी गई है 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ जो स्पेशलिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट 385 पद हैं, एनेस्थेटिस्ट के 460 पद हैं, पीडियाट्रिशियन के 440 पद हैं, रेडियोलॉजिस्ट के 70 पद हैं, और पैथोलॉजिस्ट के 21 हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के 23 हैं, ऑर्थोपेडिशियन के हैं 22 पद, ईएनटी स्पेशलिस्ट के 25 हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के 52 और साइकास्ट्रिस्ट के 37 पद हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हैं 8 पद, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 57 हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 10 हैं, जनरल सर्जन के हैं 338 पद, यूरो सर्जन के 19 हैं, न्यूरो सर्जन के 18 हैं, चेस्ट सर्जन का 1 है, प्लास्टिक सर्जन के 50 हैं, गैस्ट्रो सर्जन के हैं 2, जनरल फिजिशियन के 316 पद हैं। इसके साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट के हैं 134, न्यूरो फिजिशियन के 19 हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के 20 हैं, गैस्ट्रो फिजिशियन के 5 पद हैं। तो कुल मिलाकर 2532 पद हैं मेडिकल ऑफिसर के। इन सभी पदों के लिए जो शैक्षिक अनिवार्य योग्यता रखी गई है, आवेदक ने भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हो, भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर की डिग्री 3 वर्ष की
या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि या फिर भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता या स्पेशलिटी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2 वर्ष का प्राप्त किया हो या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा इसके साथ ही संबंधित परिषद में डिप्लोमा के रजिस्ट्रेशन के बाद विशेषज्ञता में कम से कम 1 वर्ष का आवेदक के पास अनुभव होना चाहिए। क्वालिफिकेशन से संबंधित अन्य डिटेल जानकारी के लिए आपको विज्ञापन में दी गई क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन को जरूर देख लेना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी के पदों के अतिरिक्त मद्य निषेध विभाग समाज कल्याण उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध और समाजोत्थान अधिकारी की पदों पर भी भर्ती की जाएगी। कुल 1 पद है। समूह खा के ये पद हैं। लेवल 7 में वेतनमान होगा 44,900 से 142,400 रुपये। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या समाज कल्याण में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है या फिर समाज सेवा, व्यवहारिक समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य विधि या सामाजिक कार्य समाज सेवा प्रशासन में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा हासिल किया है उनको वरीयता दी जाएगी। अन्य अधिमानी अर्हताएं हैं, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की सेवा की हो। दूसरी कंडीशन है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का भी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश में संभागीय विज्ञापन अधिकारी कुल 1 पद है। वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत। आयु सीमा 21 से 40 साल। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य को अधिमान दिए जाने के साथ कम से कम 2 सेकेंड क्लास में स्नातक की उपाधि हासिल की हो। दूसरी कंडीशन है पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास में वाणिज्यिक एवं ललित कला उपाधि या डिप्लोमा रखते हैं, समाचार पत्र या पत्रिकाओं के संपादन का उनको 2 वर्ष का अनुभव हो। दूसरा, आवेदक ने NCC का बी प्रमाण पत्र हासिल किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि तक सेवा की हो। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी प्रचार अधिकारी यहां केवल 1 पद इसके अंतर्गत भरा जाएगा। लेवल 10 में न्यूनतम वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपये होगा। ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। आयु सीमा 21 से 40 साल है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं आवेदक द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवेदक ने प्राप्त की हो। साथ ही हिंदी अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बात करने की पूरी क्षमता आवेदक को होनी चाहिए। अधिमानी अर्हताएं हैं, आवेदक ने इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र या वस्तु शिल्प में किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि आवेदक ने प्राप्त की हो या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पर्यटन, होटल प्रबंधन या व्यापार प्रबंधन, जनसंपर्क, पत्रकारिता, सामूहिक संचार में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए या फिर अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विदेशी भाषा में प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए या फिर सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक ने प्रादेशिक सेना में 2 साल तक की सेवा की हो और NCC का भी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। ये सभी जो कंडीशन हैं अधिमानी कंडीशंस हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत रखी गई हैं। तो दोस्तों, इन सभी पदों से संबंधित जो फीस करने की अंतिम तिथि है 16 अप्रैल 2024 तक है, जबकि ये ऑफलाइन मोड में 16 अप्रैल तक की जा सकती है, जबकि ऑनलाइन मोड में फीस जमा कर सकते हैं 12 अप्रैल 2024 तक। तो इन तिथियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अगर इन पदों के लिए आप आवेदन करने की इच्छा रखते हैं।
तो दोस्तों पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए संबंधित विज्ञापन को आप जरूर पढ़ें। विज्ञापन संख्या यहां आपको दिखाई देगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें। इसके साथ ही आपको एक एनवेलप में बताए गए जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पता बताया है उस पर आपको भेज देना है सभी डॉक्यूमेंट्स के हार्ड कॉपी को लगाकर। अंतिम तिथि है हार्ड कॉपी भेजने की संबंधित पते पर 30 अप्रैल 2024 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखते हैं तो इन पदों के लिए जल्द ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को सबमिट करा दें ऑनलाइन मोड में, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।